बारह महीने प्रदोष आती है, बारह महीने शिवरात्रि आती है, प्रदोष को ही शिवरात्रि का भाव है। बारह महीने आता है, अगर व्यापार ना चले, दुख तकलीफ ज्यादा हो, कष्ट ज्यादा हो, बहुत टेंशन जिंदगी में चल रहा हो, कोई काम हो ही नहीं रहा, कोई दिक्कत ही दिक्कत है, व्यापार सही ना चल रहा हो, कष्ट ही कष्ट, और यहां तक कहे अगर बीमारी ने भी घेर रखा हो और बहुत जिंदगी में दुख चल रहा हो, कहीं मत जाना, प्रत्येक महीने प्रदोष आती है, हर महीने शिवरात्रि प्रदोष आती है, एक लोटा पानी, पांच बेल पत्र, पांच बेल पत्र, एक शमी पत्र, एक शमी पत्र, पांच बेल पत्र, तांबे के लोटे में जल में डाल लीजिए, सात तने अक्षत के, आखे अक्षत के डाल लीजिए, और प्रदोष काल में, प्रदोष काल जो शाम का समय होता है, प्रदोष काल में भगवान शंकर के मंदिर जाकर पांव में चप्पल पहनकर ना जाइए, घर में घी का दिया लगाकर कलश लेकर शिव के मंदिर में चले जाइए। शिव मंदिर में दिया नहीं लगाना है आपको, केवल घर में दिया लगाकर जाना है, और शंकर जी के मंदिर में वो ऐसा कैसा ही पानी पूरा उंडेल कर डालकर शिवलिंग पर आ जाइए, झोली पसार कर प्रणाम करिए, शंकर की देहली पर दो मिनट बैठकर ओम नमः शिवाय का स्मरण कर लीजिए। ओम नमः शिवाय भी आपको बोलना बताया था कि सौभाग्यवती नारी स्त्री नमः शिवाय ओम बोले और पुरुष ओम नमः शिवाय। अगर पति और पत्नी दोनों बैठकर जाप कर रहे हैं तो दोनों ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं, पर नारी अगर अकेले बैठकर स्मरण कर रही है तो नमः शिवाय ओम, आप जब नमः शिवाय ओम बोलना चालू करेंगे तो ओम अपने आप ही आगे आ जाएगा। बोल कर देखिए, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय, नमः शिवाय चालू करा, ओम अपने आप आगे आ जाएगा। पर पुरुष जब जब जाप करे ओम नमः शिवाय बोले, पति पत्नी दोनों बैठकर जाप कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं, केवल स्त्री जाप कर रही है तो नमः शिवाय ओम, 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 अपने आप पांच बार, तीन बार, सात बार, कुछ देर शिव के मंदिर में प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष के दिन बैठकर शिव नाम का जाप करें, जल का पात्र वापिस घर में ले आए और बड़े प्रेम से अगले महीने फिर प्रदोष के दिन, फिर प्रदोष काल में शिव के द्वार जाए, फिर विनती करें, कहीं मत जाना, केवल शंकर की शरण में जाना, उससे कहना, उससे निवेदन करना, मुझे विश्वास है मेरे शंभु पर। स्कंद पुराण कहती है, शिव महापुराण कहती है, अगर आपने दो या तीन या चार प्रदोष ही कर लिए तो मेरा महाकाल बाबा आपकी झोली तो भर ही देगा खुशी, दो तीन चार बस बहुत, पूरे साल की तो आप करना छोड़ना मत, अगर बाबा दे भी दे तो पूरा साल तो करना ही करना, बीच में नहीं छोड़ना बाबा। कई बार स्त्रियां सोचती हैं कि बीच में रजस वाला धर्म आ जाता है तो हम नहीं जा सकते, तो घर का कोई व्यक्ति जाए, पर करना पूरे महीने की, मतलब हर महीने में एक बार कैलेंडर में जाके निशान लगा लो, लिखा हुआ रहता है प्रदोष, निशान लगा लो कि इस दिन मुझे जाना है शिव मंदिर, नमन करना, अपने दिल की बात बाबा भोलेनाथ से कहना, अपने मन का बात मुझे शिव से कहना, बस विचार कर दिया, और मैं निवेदन करूंगा जितने लोग जल चढ़ाएंगे और दिल से अगर आपने मांगा है तो बाबा आपको इतना धन तो जरूर देगा कि एक बार शिव महापुराण आप भी कराएंगे, ये पक्का, बाबा इतना तो देगा, ये विश्वास से कहता। हाँ, आपका मन है करना हो तो करो, नहीं तो यहाँ तो हमारे यहाँ तो शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारा भाव पड़े वैसा करो, पर प्रदोष का जो नियम बताया है, शंकर का अनुमोदन जो बताया है, वो कर सकते, शिव का स्मरण, शंकर का,
बाबा इतना तो जरूर देगा कि एक बार आप भी हिम्मत कर सकोगे कि मुझे शिव पुराण कराना है और शिव कराएंगे और शंकर ही सुनाए, वो देगा तो होगा।